कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब मसले पर जारी शरंगेजी के खिलाफ मुल्क भर में मुस्लिम खवातीन ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। इसी पस मंजर में आज नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू MIM की मजलिस खातून विंग के जिम्मेदारान की मौजूदगी में एहतजाज मुनज्जम किया गया। बाद अजा मजलिस की खातून विंग के जिम्मेदारान ने जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया। खवातीन का इस मामले में कहना था कि जब मुल्क के दस्तूर ने हमें मजहबी आज़ादी दी है, किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि वो हमें ये बतलाए कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है और क्या ओढ़ना है। हिजाब हमारे मजहब इस्लाम की पहचान है और इसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे। वाज़े हो के खवातीन का ये एहतजाज मजलिस के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फेरोज़ खान लाला की हिदायत पर अमल में आया। इस मौके पर मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी कलीम रमज़ानी, मजलिस के ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर साबित चौश, एडवोकेट मुश्ताक अहमद खान, हैदर पटेल, शेख सिकंदर, यूसुफ पटेल, सोहेल पटेल, आसिम पटेल के अलावा कसीर तादाद में मजलिस की खवातीन लड़कियां मौजूद थी। नहीं होगा कि हमारा हिजाब हमारा इस्लाम में कोई दखल अंदाजी ना करे तो बेहतर है, और जब हिजाब ही नहीं रहेगा तो कहां से पढ़ेगी और लिखेगी। मोदी हुकूमत के आंखों का काटा, हिजाब है, हिजाब है। योगी हुकूमत के आंखों का इंकलाब। हमने नखाब में इंकलाब देखा कि हमने नखाब में इंकलाब देखा। अब चंद आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं निवेदन लेके कि हमारा जो हिजाब है ये हमारा प्राइड है और हमको इस पे गर्व है, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद है ना आज से नहीं बनी है, बहुत साल पुरानी है, जो अल्लाह ताला के तरफ से हमको ये एक तोहफा नवाजा गया है, जिससे मैं तो शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमें कोई बुलेट प्रूफ जैकेट की ज़रूरत नहीं, इट्स ऑलरेडी हिजाब इज़ अवर बुलेट प्रूफ जैकेट, इट प्रोटेक्टिंग अस। मजलिस एतेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज कलेक्टर ऑफिस में आज निवेदन दिया गया है, और वो जो कर्नाटक में जो हमारे हिजाब को लेकर जो बवाल मच रहा है, हम उस विषय में आज कलेक्टर साहब के पास आए और हम उम्मीद से हमें उम्मीद है कि शिक्षण मंत्री साहब से हमारे को हमारे हक में हमारा हिसाब मिले, और जो भी हमारे हिजाब को लेकर जो भी बवाल मच रहा है वो हमारे हिजाब को ना लेकर हो। ठीक को हिजाब के मामले को लेकर एक निवेदन दिए हैं, आपने वो बात सुनी होगी कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। तो ये हिंदुस्तान जो गुलसिता हुआ है, ये गुलसिता होने के पीछे कई रिलीजन्स है और उनके रिलीजन्स की कई खूबसूरतियाँ हैं, ये टोटल सब कुछ मिल के एक खूबसूरत मुल्क हिंदुस्तान भारत बनता है। ये भारत एक जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और आर्टिकल 20 जो हमारा खूबसूरत संविधान लिखा हुआ है उसमें लिखा है कि आर्टिकल 25 में हम सबको अपने रिलीजन को फॉलो करने का पूरा पूरा हक है, एंड हिजाब इट्स माय फंडामेंटल राइट, हिजाब मेरा हक है, मेरा हुकूक है। सो प्लीज़ बराए करम मेहरबानी हमारी राष्ट्रपति साहब से गुजारिश है कि वो हम सब पर हर हमारी ये हिजाब को लेकर जो उनसे इल्तजा चल रही है उसको पेश नज़र करे, कबूल करे और हमारी पूरी पूरी तरीके से सपोर्ट करे।